हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग रात को शुरू हो रहा है, अभी 9:30 बज गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सुबह से लेके हम पूरा बिजी थे क्योंकि आज को एडमिशन करवाए हैं 4 जन का, जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 2 जन का है, नॉर्मल एडमिशन हुआ। और क्रेडिट कार्ड से जितना जन एडमिशन ले रहे हैं वो दोनों एक बिहार से, हाँ दोनों बिहार से था। तो जो एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों का, आपको आपका उन लोगों का कैंपस पारलाखा मंडी रहता है, बार बार क्लियर कराते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है, भुवनेश्वर से पारलाखा मंडी एक क्लास कैंपस है भाई, देख के मज़ा आ जाएगा आपको। कैंपस आप खुश नसीब हो कि आपको पारलाखा मंडी में मिल रहा है, जो जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आ रहे हैं। जो देखिए, अभी खाना खाने जाएंगे, अभी LR लिख रहे थे, मैच भी देख रहे थे, या कंप्यूटर का LR लिख रहे हैं, LR बहुत लिखना है। और मैच भाई बहुत मज़ा आया, पारी देखते हैं क्या होता है। हम तो कलकत्ता के ऊपर टिका हुआ है, पहला इनिंग है, देखिए शिवम भी आ गया। कर खाना खाने चलते हैं कि नहीं? चलिए दोस्तों, खाना खाने। मार कैसा दिया बोलना है, मस्त मारा है भाई, खाली रसल नहीं चला, सेंचुरी तो देखा, 196 का स्ट्राइक रेट। चलिए दोस्तों चलते हैं खाना खाने, और दीप पहुंच गया रे, जल्दी से लेट्स गो दोस्तों। भाई मज़ा आ रहा है भाई आज को, देखिए लेट हुआ है आज को ब्लॉग, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ब्लॉग तो है, रहेगा, होता रहेगा। और ये देखिए हम लोग का हॉस्टल पूरा ढीला है, ये देखिए दोस्तों ये ढीला, अरे इसको ठीक करवाना पड़ेगा, वरना तो ऐसे ही कोई खोलेगा तो खुल जाएगा। अबे वे तो खुल के जा रहा है, अभी ये तो खुल जा रहा है, अबे सब ढीला सब ढीला, करवाते हैं रुको, आके वार्डन को बोलते हैं। ये सब दोस्तों, ये सब टाइट करना पड़ेगा, हाथ से खुल जा रहा है। अरे यार ये इधर वाला भी, चलिए दोस्तों वाला चाय बजरंग बली, जो ताला लग गया 107 हम लोग का रूम नंबर, हॉस्टल नंबर 5। सो लेट्स गो, ये चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए वाईफाई एंड अभी टारगेट अच्छा खासा मिला है, वाईफाई भी अभी चालू है, बहुत अच्छा मस्त है। चलिए दोस्तों खाना खाने चलते हैं, लेट्स गो। और देखिए मेन चीज़ है कि मैच तो डेली हो रहा है, तेरे को कौन लग रहा है, कौन जीतेगा? अभी डाउट है यार, जयसवाल का भी फॉर्म हाँ वो भी है, बटलर फिर भी इंजर्ड है। चलिए फिर भी देखते हैं क्या होता है, वो मैच के बाद पता चलेगा, दिल में धुकधुकी अभी भी है, मगर मज़ा तो आना ही है, मज़ा आने का बात है, मज़ा आएगा, आता रहेगा। चलिए दोस्तों कैनोपी भरा भरा है, लेट्स गो गाइस। थाला ले लिया, हटा थोड़ा धोने दो, यहाँ पे धो ले, बंद कर। चलिए धो लेते हैं, लेट्स गो दोस्तों खाना खाते हैं। वो देखिए दीप भी आ गया, खाना खा लिया रे, सोयाबीन दिया है और अंडा दिया है, अच्छा दीदी सुन दो ठीक है। चलिए आर्यन, लेट्स गो। तो दुखी तो पड़ रहा है, लेकिन खाना में मिला है अंडा और वेज में मिला है सोयाबीन, चावल लाने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वहाँ मैच चालू हो गया, देखते हैं, मज़ा लेते हैं, खाना वाना खाते हैं। कैसा लग रहा है डाटू, तेरे को सर्दी पकड़ा हुआ है? अच्छा भी लग रहा है। चलिए दोस्तों लेट्स गो गाइस, खाना खा लेते हैं। कुहो न संगो आमो 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 खाइबा आमो 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 ये आमो आमो आम तोड़ देंगे गाइस। ठीक है, ए ए शिवम देख इधर देख इधर देख, क्या आम पकड़ा है भाई पेड़ सब में, क्या आम हुआ है। ए इधर से इधर से कहना पीछे चलो, कहना गेट कैसे चलेगा? चलिए 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 गेट साइड चलते हैं, एक राउंड तो बनता है। आप कुछ बताइए सेंचुरियन के बारे में, हैं? इधर आओ दूर आओ, बताओ सेंचुरियन के बारे में क्या बताओ, कुछ भी बताओ, कैसा कॉलेज है? कॉलेज तो अच्छा है, बरकती हुए लोग। अच्छा हमको एक बात बताइए, आप तो उड़ीसा से हैं, उड़ीसा का जो CM है वो कैसे हैं भाई? सब लोग बोलते कि अच्छे हैं, आपको क्या लगता है?
आप अपना को तो लगता है पॉलिटिक्स पूरा दिखावा है। हाँ सिंपल। और मोदी नहीं पता भाई अंदर क्या चलता है नहीं पता, बाहर क्या चलता है नहीं पता। ध्रुव राठी ने अभी अभी वीडियो कॉल किया, ध्रुव राठी तो कहता है मोदी अच्छा है। नहीं पता भाई कौन कैसा बोलता है नहीं पता, थोड़ी ना हम लोग उनके पास जो बता सकते। तो इस मोह माया दुनिया कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों ये देखो ये ग्राम तरंग है, अगर आप लोग एक सेकंड ये अच्छा चीज़ है आज दिखाते हैं, अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो यहीं आपका यूनिफॉर्म बनता है। बहुत सारे बंदे हमको पूछ रहे थे कि भैया यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ये देखो यहाँ आपका यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर होता है। देखो ग्राम तरंग एम्प्लॉयटी ट्रेनिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे वेलकम टू वर्ल्ड्स ऑफ होप्स एंड पॉसिबिलिटीज। ओके स्किल इन ओडिशा, बताओ यहाँ का सबसे अच्छी चीज है ये ग्राम तरंग। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है उन बच्चों को जिन लोगों ने आज तक पांचवी तक क्लास भी नहीं पढ़ा है, वहाँ पे ट्रेनिंग देकर उनको भविष्य बनाया जाता है। बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है इस कॉलेज का जो यहीं पे ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे भी कुछ बंदों को रखा जाता है जैसे की ट्रांसफॉर्मर हो गया, उसके बाद उड वहाँ पे उड फैक्ट्री है और यहाँ पे ड्रेसेस बनाए जाते हैं जो लोग नहीं बोल पाते कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी है के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध है। कॉलेज तो अच्छा है भाई, हमने सब कुछ दिया है इसमें, पर एक चीज मन में रहता है कि कुछ चीजें होती है जो कि और अच्छा होता तो, पर भाई हर चीज तो परफेक्ट नहीं हो सकती। मेन चीज है तुम कोई भी कॉलेज में रहो तुमको उसका तुम बोलेगा, लेकिन भाई एक्चुअली जो कॉलेज में होना चाहिए वो सब है यहाँ पर। भाई बी फार्मा की जो फैकल्टी है हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत फ्रेंडली है, फ्रेंडली भी है एंड सपोर्टिव है। हाँ भाई सपोर्टिव तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। खैर दोस्तों देखिए ये इन वादियों में आप घूम सकते हैं, इन जो वादी ये जो वादियाँ हैं पूरा एकदम ठंडा ठंडा हवा। भाई देखो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो चलते चलते कभी अपना टी शर्ट उठा देते हैं भाई, एकदम पेट में हवा आता है वैसे मेरा थोड़ा पेट निकला हुआ है जैसे आप सबको पता। हरियाली अच्छी है भाई, यहाँ पे जू जू टाइप का भी बना हुआ है नॉर्मल। तुम बता तो मेरे को अपना पेट में काम करना चाहिए भाई। नहीं पता मैं 13 किलो आठ महीने के अंदर मेरे को कुछ कुछ ट्रिक्स दो ताकि हम पतला हो जाए। एक ही ट्रिक दो दिन में एक बार खाओ। नहीं भाई वो खाना खाएंगा हम, और कुछ करना है तो बताओ, खाना तो खाना ही है। मैं तो दो एक दिन में एक बार खाता हूँ, एक दिन में इतना झूठ मत बोलो। नहीं भाई। नहीं, नहीं हाँ दोस्तों कभी कभी ये खाता नहीं है, मैं एक दिन में एक बार कभी कभी ये इंसान का देखो थोड़ा डार्क आएगा बिकॉज जगह ही डार्क है, ठीक है ना। और आप लोग तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, व्यूज आ नहीं रहे, तो आईफोन हम कैसे खरीदे बताओ। ठीक है अब आप लोग को लाइट भी चाहिए तो कल से स्टूडियो वाला को बुलाएंगे, उन लोग घूमेगा लाइट लेके। अच्छा आप सब्सक्राइब करो आईफोन ले आएंगे। पैसा है तो भाई स्टूडियो वाले को लेके तू आईफोन ही ले आ। नहीं इतना पैसा है तो भाई स्टूडियो वाले आएंगे तो उससे अच्छा तो भाई तो आईफोन ले आ। नहीं पूरा प्रोफेशनली शूट करें, ब्लॉग तो भी डेली फिल्म जैसा शूट करेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी ना दोस्तों, ऐसा बात है ऐसा सिलसिला है। गेट के सामने जा रहे हैं दोस्तों, चलिए आपको भी लेके चलते हैं, आप भी आइएगा तो ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। खैर जो क्रेडिट कार्ड से आ रहे हैं वो पालका मंडी में पढ़ेंगे, भुवनेश्वर में नहीं, बार बार बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। हाँ बिहार का एक ठो बिहार गवर्नमेंट का एक ठो रूल है, मतलब फैसिलिटी है, ठीक है ना। मान लो तुम मतलब क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग का क्या होता है लो कैटेगरी मतलब इनकम के हिसाब से, इनकम बस बिलो पॉवर्टी लाइन जो BPL होता है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट तुमको 4 लाख रुपया 3.5 लाख ना 4 लाख रुपया देता है बिहार का गवर्नमेंट, कोई भी बच्चा को कोई भी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो कुछ भी हो। तो उन लोग को क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन होता है बिहार क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। तो वो पालक मुंडी में होगा, ये भुवनेश्वर कैंपस में तो नहीं होगा क्योंकि मेन कैंपस तो पालक मुंडी है। बहुत अच्छा कैंपस है पालक मुंडी। हाँ बहुत अच्छा कैंपस है, पर बी फार्मा वहाँ पे नहीं है बाकी। अरे हाँ क्रेडिट कार्ड पर भाई उस कैंपस का सबसे अच्छी चीज है कि 24 आवर लाइब्रेरी खुली रहती है, 24 आवर जब भी जाओ 24x7। यहाँ पे क्या होता है कि 12 आवर, अच्छा संडे को भी वहाँ खुला रहता है ना। हाँ संडे को भी खुली रहती है लाइब्रेरी। भाई देखो पालक मंडी, आप लोग को लग रहा होगा कि भाई भुवनेश्वर पालक मंडी बेस्ट चॉइस है, खाना भी अच्छा मिलेगा, लिख के दे रहा है भुवनेश्वर से अच्छा मिलेगा भाई, भुवनेश्वर से अच्छा मिलेगा, हम लिख के दे रहे हैं। तो दोस्तों भुवनेश्वर का तो भाई बताओ मत खाना, ठीक ठाक है, खराब नहीं है, ठीक ठाक है। खैर अच्छा लगता होगा क्योंकि भाई देखो
यहाँ पे जो लोग बनाते हैं अच्छे खाने बनाते हैं कोई नो डाउट, पर भाई बहुत ज़्यादा ऑयली बनाते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें गंदा। आज देखो रोटी, रोटी पूरा हार्ड था, हाँ पेपर जैसा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे नो पार्किंग, ड्राइव स्लो, 20 किलोमीटर पर आवर लिमिट स्पीड, इससे ऊपर आप यहाँ जा नहीं सकते। लेकिन रात का टाइम है तो खुला है, मोड़ रूल्स बने तोड़ने के लिए तो तोड़ना ही है। देखो रूल्स एंड रिकॉर्ड, तो रूल्स शायद तोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाया जाता है। इस इंसान को देखो तभी खराब है, इंडिया है। दुआ करो दोस्तों जल्दी ठीक हो जाए। ये जो काटने का काम कर रहा है हम लोग, नहीं ये चीज क्यों काटोगे? एक बात बताओ, हम लोग चिढ़ाते तो चिढ़ाना क्या गलत चीज है? और वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो प्राइवेट लाइफ है, हम लोग चिढ़ा रहे हैं अलग टाइप से। लेकिन नहीं दोस्तों, दोस्त से बात कर रहा है उसका, वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना शिवम भाई? अपना व्यूअर बढ़ाते भाई शिवम, एक कमेंट ऐसा मारेगा ना भाई, स्टार है अपना शिवम और मोटा भाई, अपना चैनल में तो दो ही स्टार है भाई, ठीक है भाई। मोटा भाई का याद है, आज आने वाला था, मोटा भाई को कॉल लगा, कॉल लगा, कॉल लगा। अच्छा अच्छा, हाँ आज को आने वाला था, बोला कि पैकिंग कर चुका हूँ मैं उसको, उसको उसको गुलकोंडी लाने बोला था दोस्तों। देखो मोटा भाई पूरा एकदम सीटीएम सीटीएम चमक रहा है, गजोती में डोरेमोन रह गया मोटा है तो डोरे जियान ना डोरेमोन नहीं, नहीं मैंने डोरेमोन दिया वो मेरा डोरेमोन मैं हम उसको जियान बुला। हेलो हाँ भाई कब आएगा? कल को, कल को आज ही ऐसे यार दला काली हो जाओ, काली जाओ तेरा जी काम से लग रहा है। क्या काम था भाई? अच्छा सुन सुन ना, रुक रुक रुक, गुलकोंडी ले आना भाई, गुलकोंडी लेते आना ना, हाँ हाँ लिए है, ठीक है तो शुक्रिया, ये ले ले फोन ले भाई, बहुत लेट्स को भाई, लेट्स को तो मारपीट होता रहेगा, चलिए क्या ही कर सकते हैं गाइस। एलएल लिखना चालू है, मैच वैच खत्म हो गया दोस्तों, कलकत्ता के ऊपर थे पर एट देन कलकत्ता हार गया। अब क्या कर सकते हैं भाई बताओ, मतलब आखिरी मैच तक खींचा, आखिरी बॉल तक, एट द एंड हार ही गया, नुकसान हो गया दोस्तों यार, आज को नुकसान हो गया। सीमा मेलार लिख रहा है, सीमा मेलार लिख रहा है, सीमा मेलार लिख रहा है, हम भी एलार लिख रहे हैं, सब एलार लिख रहे हैं दोस्तों, क्या बताएं यार, कलकत्ता को हारना नहीं चाहिए था भाई, काहे हार गया। जैसे हम इंस्टाग्राम में पूल भी दिए थे, इंस्टाग्राम में भी आया कि चलो कलकत्ता जीतेगा, पूल विनर हुआ, बट मैं राजस्थान जीत गया, बुरा लगा भाई, एक्चुअली बुरा लगा, क्या बताया। खैर वो सब छोड़िए, जिसको इसको एडमिशन लेना है वो हमारे साथ कांटेक्ट करिए, डीएम करिए, कमेंट करने से अच्छा है आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उसमें आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। बिहार क्रेडिट कार्ड से कोई एडमिशन होना चाहता है हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए। पार्ला का मंडी उसका कैंपस होगा, बार बार बता रहे हैं, आज को बहुत सारा बच्चा का एडमिशन करवाया है और कल को भी होने वाला है, एक दो बच्चा शायद उन लोग को भेजे हुए हैं, उन लोग पेमेंट किया नहीं अभी तक, ठीक है। वो एक जन कुछ जयदेव कुछ ऐसा नाम है और कुछ ऐसा नाम सा है भाई का, तो वो पेमेंट करने वाला था, उसका कुछ पूजा हो जाए तो वो क्या नहीं कर पाया पेमेंट, और एक जन रुक रहा है क्योंकि ओबियसली वो लोग डरता है, ठीक है, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट बोल के नाम है तो वो लोग डर जाता है। ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों, हमारे तरफ से कुछ फ्रॉड नहीं होगा, हम लिख के दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा मत सोचना कि हम लोग अलग QR भेज रहे हैं, वो QR हम वही भेजते हैं जो हमको कॉलेज का एकेडमिक सेल से हमको सॉरी एकेडमिक हाउस से हमको मिलता है। सर जो हमको QR भेजते हैं, जिस QR में आपको पेमेंट करने से आपका सेफ होगा, वही QR हम आपको भेजते हैं, ठीक है, तो अलग कोई QR नहीं देते हैं आपको, वो QR जो बोलेंगे आप सुन लीजिए भाई, एकदम कुछ दिक्कत नहीं होगा, हम लिख के दे रहे हैं भाई। एडमिशन के रिगार्डिंग यहाँ आपको हर चीज़ आपको सच बोला जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं, वही चीज़ है, मिलते हैं कल का ब्लॉग में, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बहुत कम जन किए हैं तो उम्मीद करेंगे कि सब्सक्राइब करिएगा, ब्लॉग तो डेली हम लोग चालू किए हैं, और सेंचुरियन के बारे में क्या क्या जानना है, वीडियो में क्या देखना चाहते हैं हमें DM करिए, हर एक चीज़ दिखाएंगे। खैर दोस्तों कल का मैच का देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम। हिलाल लिख रहे हैं।